शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। Time.
भवन कृष्ण सदै सन्तु निरभया सदै भद्राणि पश्यन्तु मा कच्चि दुर्भावने हरिओं शांति 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 ओम प्रभो स्त्रे भगवान कृष्ण की भगवत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव, प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेव, प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रय नत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कलश्चानूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णः शरणौ मम, श्री कृष्णः शरणौ मम, श्री कृष्णः शरणौ मम। ओ भाग्यशाली कल्याणकामिनी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, कर लीजिए अपने मन को एकाग्र, यहां आने का हम पूरा लाभ उठाए। गीता बहुत चोटी की ब्रह्म विद्या है, बिना एकाग्रता की समझ भी नहीं आती, क्योंकि हमारा अभ्यास तो नहीं है सुनने का विचार करने का। एकदम विचारधारा बदलती है जब गीता जी को बड़े ध्यान और श्रद्धा पूर्वक सुना जाता है। गीता हमारे में जो गलतफहमी है उसको दूर कर देती है, हमारे जो मति भ्रम है वो भी दूर हो जाता है, हमें असलियत का पता लग जाता है कि जो मेरा मन स्थाई एवं शाश्वत शांति चाहता है वो कैसे प्राप्त होगी, मैं अपने जीवन में कैसे अपना कल्याण कर सकूंगा या मनोकामना पूरी कर सकूंगा। गीता के मुबारक कृष्ण अपनी मुबारक जबान से बड़े विस्तार पूर्वक इसको समझाते हैं और बताते हैं। इन दिनों हम गीता जी में प्रवेश किए हुए कुछ अनमोल मोतियों को ले रहे हैं जो हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं, क्योंकि दैनिक जीवन में कुछ करना है, कुछ बुद्धि से निर्णय करना है, कुछ मन से विचार करना है, कुछ तन से कर्म करने हैं। ओ मेरे सजनों मेरी देवियों जरा एकाग्रता पूर्वक, तो क्यों ना इस तरीके से किया जाए जिससे शांति बढ़े, नाना प्रकार के जो दुख है शरीर कहे मानसिक कहे सामाजिक कहे पारिवारिक कहे ये कम होते जाए, उधर सुख बढ़ता जाए दुख कम होते जाए। बड़ा विस्तार किया है भगवान जी ने, दुनिया में क्या हो रहा है, दुख बढ़ते जा रही है सुख कम होता जा रहा है, उल्टी बात जो हम नहीं चाहते वो हम देख रहे हैं संसार के अंदर। क्यों? एक ही जवाब है कि हम भगवान जी के अनमोल कथन के अनुसार अपने आप को लगा नहीं रहे, अगर हम लगाए तो सुख बढ़ेगा दुख कम होता जाएगा। यही मन में भावना रखकर हम भगवान जी के दरबार में आते हैं और महाराज जी की अनमोल वाणी का श्रवण करते हैं। अच्छा, एक भावना हम सब की जिसको हम पूरा किया चाहते हैं, अपने आप को बना, अच्छा अपने आप को बनाना चाहते हैं। अब ये बात बने कैसे, यही हमारे विषय गए जो कई दिनों से यहाँ तक से लेकर हम मन में रखने की चेष्टा कर रहे हैं। देखते रहना, सुनना नहीं केवल, मेरे मन में ये बहुत ही लगन है कि सुनने वाले अपनाने वाले हैं, क्योंकि मैंने खुद देखा जब तक अपनाया न जाए मन एकाग्र नहीं होता, मन अंतर्मुखी नहीं होता यानी भगवत मुखी नहीं होता, और वो दिव्य रस नहीं आता, जीव के संसार संबंधी संकल्प विकल्प घटते ही नहीं, जीव हैरान परेशान रहता है, फायदा तो ठोस ना हुआ। फिर गीता सुनने का गीता पढ़ने का कोई ठोस लाभ ना अनुभव हुआ, शाबाश। ठोस लाभ तो तब होता है, मैं आपसे बार बार कहा करता हूं अपनाया जाए, मन को जरूर कहना
कि मनवा अगर वहां गीता के सत्संग में जाना है तो अपनाने के लिए जाना, सुनने के लिए नहीं। देखना मैं कितना स्पष्ट आपको मुद्दत से कह रहा हूं, अपनाना है तशरीफ लाइए, वरना यही समय कहीं और लगा लो। घर का काम संवार सकती हैं, समाज का काम संवार सकती हैं, कोई और अधूरा काम घर में पड़ा होता है वो कर लो। यहां गीता के सत्संग में आने का लाभ कब होता है? अपनाया जाए। रामायण में तो सुन लिया कथा, ठीक है, मजा आया, कुछ रो लिया, कुछ हंस लिया, कभी लक्ष्मण के साथ हो गया, कभी राम जी के साथ हो गया, कभी सीता की सहानुभूति कर ली, कभी रावण को 4-5 गालियां दे दी, वो तो बन जाता है। यहां ये बात ही नहीं, या तो ये चर्चा ही नहीं है, या क्या चर्चा है? असलियत की पहचान, ये बड़ी निराली बात है। और भगवान ने डराया भी हुआ है कि अगर पूरी दिलचस्पी पूरी श्रद्धा ना हो, सुन सुना कर भी, भगवान ने गीता शुरू करने से पहले ये चेतावनी दी है कि गुग्गू ना बने रहना, सुन सुना करके बुद्धू ना बने रहना, है पूर्ण श्रद्धा ना हो, पूर्ण एकाग्रता ना हो, कल्याण की कामना ना हो, सुनना कुछ फायदा ही कुछ नहीं। देखो मैं कितना क्लियर कर रहा हूं, मैं भगवान के दरबार में सुबक दोष होके जाऊंगा, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, अपनाने पे जोर देना। भागवत पुराण भी भगवान जी की अमर जीवनी है, उनकी अमर लीलाओं का वर्णन है, यहां तो बात ही कुछ और है। यहां तो बुद्धि का निरीक्षण, मन का निरीक्षण, कर्मों का निरीक्षण, भावना का निरीक्षण, अपने दैनिक जीवन का निरीक्षण, अपने संबंधों का निरीक्षण, अपने संस्कारों का निरीक्षण, अपने पिछले जन्म का निरीक्षण, आगे का निरीक्षण, मुक्ति का निरीक्षण, क्यों मैं दुख पाता हूं इसका निरीक्षण, या तो निरीक्षण ही कुछ और प्रकार का है, या कि विचारधारा ही और प्रकार की है। इसलिए जरा बड़े प्रेम पूर्वक यही मन में रखते हुए मैंने अपनाना, घर से चला करो बाहर तो यही मन में रखकर, घर में जब तैयारी करते हो या आने की, तो यही मैंने अपनाना, मैं जा रही हूं अपनाने के लिए। ये भाव गहरा ले जाओ कि मैं वहां पर जा रहा हूं अपने प्रभु की वाणी सुनने के लिए, हाँ तो बस क्या भाव, मैंने अपनाना है, मैंने जीवन में ढालना है। जैसे कोई लंगर में जाता है तो बर्तन बुर्तन ही रहता है, क्यों? खाने के लिए, कि वहां पर लंगर बांट रहे हैं, मैंने खाना है, बड़ा अमृत होता है, भगवान जी की शुभ भावनाओं से भरा होता है। इसी तरह हम गीता सुनने आए गए, क्या? अपनाने के लिए, पहले समझ लेंगे फिर इसको जीवन में ढाल लेंगे, उतार लेंगे। भगवान करे ऐसा ही। आज एक और पॉइंट पकड़े, यत गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम, क्या कहा? पहुंचकर जहां से न लौटे मदाम, ना लौटे कोई, वही गए वही मेरा आली मकाम। ध्यान देना और इस पर चर्चा करें। भगवान क्या कह रहे हैं? अगर कोई सच्चाई के साथ, लगन के साथ साधना कर रहा है, साधना का मतलब मन बुद्धि को भगवान जी के अनुसार डाल रहा है, साधना का मतलब होती है मन बुद्धि को महाराज जी के अनुसार बनाई जा रही है, लगाई जा रही है, शाबाश। जैसे आप गूंथे हुआ आटा लेते हैं बच्चे को खुश करने के लिए, तो उसकी चिड़िया बनाते हैं, ये कान बन गया, ये सिर बन गया, ये नीचे पैर बन गया, ये बीच में छोटा सा पेट बन गया, गूंथा हुआ आटा है, जैसे मर्जी इधर यूं किए जाओ, लिमिटेड चिड़ी चिल्ली, हाँ चोच मालेगी, मालेगी चोच तुझे नाक पर। अच्छा, बच्चे बड़ा खुश हो गए कि चिड़ी बन गई। हम क्या करते हैं? बिल्कुल यही करने आती है। जैसे भगवान जी पर वो आटा इस तरह बनता, गीला आटा था, सूखे आटे का बना के दिखाओ नहीं बनेगा, गीला था ना, इस तरह बुद्धि मन श्रद्धा में गिल्ली हो, बिल्कुल गीली हो जाए, ताकि जैसे भगवान जी कह रहे हैं वैसे बुद्धि को ढालते जाए। बिना श्रद्धा के नहीं ढलती, बिना लगनता के नहीं ढलती, बिना कल्याण की तीव्र इच्छा के मन और बुद्धि नहीं ढलती। वाह, बिल्कुल गीले आटे की तरह है, जैसे बच्चे को खुश करने के लिए चिड़ी बना दी या चूहा बना दिया, बच्चा बड़ा खुश हो गया, बड़ा प्रसन्न। हमने अपने श्रद्धा और प्रेम से गीली बुद्धि और मन को भगवान जी के अनुसार बनाना, पहले जो बनाया ना वो ठीक नहीं, ठीक होती तो सुख बढ़ता, आराम बढ़ता, चैन बढ़ता, मन हमारा महाराज जी में लगा रहता, पर ऐसा है नहीं, ऐसा बात बनी नहीं।
इसलिए आप जो इतनी प्रेम से आती हैं, जरा देखना श्रद्धा आप में कमी हो तो बढ़ा लो। श्रद्धा बाबा कैसे बढ़ाई जाती है, भगवान के उपदेश के बिना मेरा कल्याण हो ही नहीं सकता। यही सब भारतीय अनुभवी महापुरुषों ने एक ही वाणी से हमें बताया और समझाया। श्रद्धा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर जाती है। मेरे जब ये भाव बैठे भगवान के उपदेश के बिना मेरा कल्याण हो ही नहीं सकता, जब तक ये भाव नहीं बिठाएंगे आपकी श्रद्धा भगवान की ओर लगनता और ध्यान नहीं बढ़ेगा। जरा भी अगर उसने दे दिया चलो गीता नहीं चल रामायण पढ़ लिया बस अब मन कहीं नहीं लगेगा, चलो यहाँ नहीं थे एक महात्मा जी और आती है वो बड़ा आसान तरीका बताते चलो वहां जाएंगे, वो कहते सुनने सुनने से कल्याण हो जाता है, पढ़ने की जरूरत कोई नहीं, फिर नहीं बात बनेगी। अगर जरा भी आपने मौका दे दिया मन को ना, यहां तो वो भाव है भला दूसरा है जहां में कहां करे दूर मेरी जो वहम, इनके बिना चारा ही नहीं। जब तक तो भगवान की वाणी को नहीं अपनाता मेरा कल्याण नहीं हो सकता, किसी को हो जाता हो रहा होगा तब श्रद्धा बढ़ जाएगी, क्योंकि मन को जरा नहीं मौका इधर उधर जाने का इधर उधर भटकने का, ये भला दूसरा है जहां में कहा और कौन है आपकी सिवा प्रभु जो मेरा कल्याण कर सके। ये भाव बनाए रखना मेरी देवियों, यही व्यास जी ने गीता के प्रति कहा है, गीतासु गीता कर्तव्य किम अन्यायी शास्त्र विस्तर। अरे क्यों मगज पच्ची मार के अपना अनमोल समय बर्बाद करता है, इसी को पूर्ण पेन अपना ले बस। ये भाव बैठाइए मेरे से भी श्रद्धा भगवान के ज्यादा बढ़ जाए, इसके बिना चारा नहीं, इसके बिना गुजारा ही नहीं, मेरा कल्याण हो ही नहीं सकता। शाबाश अब श्रद्धा बढ़ जाएगी, अब आपकी बुद्धि और मन ढलने लग जाएंगे जैसे भगवान जी बनाना चाहते हैं। अब क्या जो आज क्या कहा, जहां जाकर फिर जीव लौट के नहीं आता, यह आज का अनमोल बोल टोटका। ये बड़ी हैरानगी की बात है मेरी कल्याणकामी देवियों और मेरे कल्याणकामी सज्जनों धार्मिक भाइयों, बड़ी हैरानगी की बात है। गया और गया, चूंकि अपने जीवन में हमें ये अनुभव ही नहीं। आप बड़ी बड़ी दूर जगह गए, 10 दिन 20 दिन के वापस जहां से गए थे, कई जगह आप जाती हो, पिता के साथ गए, माँ के साथ गए, सहेलियों के साथ गए, टूर पर गए, बड़ी दूर दूर इंडिया का टूर लगाया, लेकिन 10 दिन 12 दिन के बाद बस फिर लौट आई है। बड़ी बड़ी तीर्थ यात्राएं आपने की है, कितने ओ कहां कन्याकुमारी तक होके आ गए, लेकिन फिर लौट के आए, चाहे 2 महीने बाद आए आ गए, ये बड़ी निराली बात। शादी हो जाती है अपने ससुराल में फिर भी आ जाती हूं, हाँ विदेश में जाते हैं मेरे भाई मिलने आते हैं, मैं जी 15 साल के बाद आपके पास आया हूं। अच्छा एक भाई ने कहा था मुझे 26 साल हो गए आपको मिले हुए, अच्छा लौट के आ गए, अचानक मेरे वहां दिल किया मैं अपने भारतवासियों को देखो रिश्तेदारों को मिल रहा हूँ, नदी नाम से योगी मिला, कहीं मर गए और मेरे मरने की बारी भी आ गई, मैंने कहा अमरीका से अब मैं भी मरने से पहले सारों को मिल तो आऊ, फिर भी लौट के आ गए। अच्छा ये क्या कह रही है मेरे भगवान कि जी तलीन होके फिर नहीं वापस आता। अच्छा अब यहां से इशारा मिलता है आना और फिर जाना, संसार में यही हो रहा है, चारों ओर यही हो रहा है, जाती है आ जाते हैं, बस इतने में रहिए इधर मैं इसको विस्तार करूं। सारा दिन क्या हो रहा है, आना और जाना, या ये बोलूं जाना और आना। सारा दिन देख लो बाजार में गए कोई चीजें ली घर वापस, बच्चे स्कूल में जाते हैं कॉलेज में जाती हैं पढ़ के वापस, श्रीमान जी दफ्तर में गए या बिजनेसमैन है करके वापस, आप यहां तशरीफ आए हैं भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारी मधुरवाणी का श्रवण करते हुए, क्या बैक टू योर रेजिडेंस, ये क्या बात है। आओ एकाग्रता, इसलिए मैं कहता हूं ये बड़ी निराली बातें हैं, आपको पूर्ण एकाग्रता श्रवण करनी होगी। अब हम घर से चलते हैं, 1 मिनट रुक जाओ, क्यों जा रहे हो, इतना आराम है, बाहर धूप है, मिट्टी है, गड़बड़ है, कोई साइकिल मार देगा, कोई ऐसा ही आपको शरीर जोर का मार देगा, चोट लगे, क्यों जाते हो यहां से, चलो अब क्यों जा रही है, घर में क्या है तुझे, क्या तंगी, कोई तंगी नहीं तो क्यों चले हो घर से, इस शरीर को क्यों कष्ट दे रहे हो, 1 मिनट देखो जरा क्यों जा रहे हो आप, क्या करें, ये बात पूरी करनी है, वो बाजार से पूरी होगी, यही शुरू कर दिया मैंने,
अपने घर से हम निकल पड़ेंगे थैला लेकर, अपने बटुए में रुपए रख कर जा रहे हैं। क्यों? कुछ लेना है बेटी बॉस, साधारण शब्द में टाइम बड़ा थोड़ा होता है ना, कुछ लेना है। क्यों लेना है? उसके बिना घर का व्यवहार नहीं चलता, कुछ घर में चीजों की कमी है, वो तो हमारे काम आती है, अगर वो नहीं लूंगी तो बात कैसे चलेगी। कुछ लेना है सजनों, में कहां खड़ा हो गया हूं, कुछ लेना है। तो जहां से वो हमें मिलती है वहां हमें जाना है, कुछ लेना है ना, लेना है। जा रहे हो जी? अच्छा, ना लिया जाए तो व्यवहार नहीं चलता। अच्छा, तो इसलिए जा रहे हैं। हाँ, तो क्यों लेना है? आगे बढ़ो व्यास जी के अनमोल कथन के अनुसार। क्यों लेना? जब आप कहेंगे किसी कमी को प्रकट करता है, क्या घर में दाल की कमी हो गई, घर में चावल की कमी हो गई, घर में कोई कपड़े की कमी होगी, कमी के कारण से कामना उठती है। अरे हाय, कमी के कारण से कामना उठती है। कामना की पूर्ति के लिए हम कर्म करने लग जाते हैं। एक एक बात पकड़ लेना, हमें किसी नहीं बतलाई भारत में जन्म हुआ, माँ बाप का धर्म था, प्रोतों का धर्म था, आज हमारी किस्मत जागी, भगवान कृष्ण हमारे पर कृपा करते हुए स्पष्ट कर रहे हैं ये राष्ट्र, ये स्कूलों में पढ़ाना चाहिए, जो हमारे दैनिक जीवन में काम आए। ये कितनी जरूरी बात है। क्यों मेरे मेरे कामना उठती है कमी को लेकर? है किसी कमी को लेकर कामना उठती है? हाँ, उस कामना को पूरी करने के लिए मुझे दिन रात कर्म करना पड़ता है। हाँ, अब अगर हम सियाने होती ना, फिर हमारे में ये आता। हाँ, कमी क्यों महसूस होती है? वेरी गुड, हमारे मन में कमी क्यों महसूस होती है? कभी नहीं सोचा होगा, कमी तो हमने कई बार पूरी की है भगवती, कमी कई बार पूरी की, कपड़े की कमी पूरी की, दाल रोज की चीजें खाने वाली कमी पूरी की, लेने देने की कमी पूरी की, फिर कमी जू का तू शक्ल बदल जाती, कमी फिर रहती है। ध्यान देना, कमियां हमने कई पूरी की, हाँ, चाहे खाने की, पहनने की, लेने की, देने की, शादी की, बच्चों की, कई कमियां बच्चों को पढ़ाने की, इनके मुन्नी मुनियों के ब्याह व्यू करने की, फिर कमी क्यों रह जाती है? आपकी झोली में जरा सोचो, कमियां हमने कई पूरी की, पानी की तरह रुपया बहा दिया, लोगों के मिनते समायते की, तलवे चाटे मिनिस्टरों के और बड़े बड़ों के, हाँ, और कमी पूरी कर भी ली। आप भी मेरी बेटी कईयों की सिफारिश से ले लियो, कमी पूरी की, हाँ, चंदन के बाद फिर क्यों कमी महसूस होती है? वो कमी फिर कड़ी है। गुरुदत्ते की तरह ना मेरा गुरुदत्ता मंडी चा पिछा चुका गया मैं भी नहीं, ना मेरा है कमी, हाँ, आंखों में रहती है नमी, हाँ, दिन रात कराता हूं कमी, गई मैं भी नहीं, फिर वही खड़ी जाती है कमी। ऐसा क्यों? बड़ा इंकलाबी प्रश्न, बड़ा क्रांतिकारी प्रश्न। कमियां पूरी की जाती हैं दिन रात एक करके, हड्डियां तोड़ करके, फिर कमी जू की तू रह जाती है। क्यों? जो के संसार जिससे कमी पूरी की जाती है वो कह रहे हैं अधूरा है। और सोचिए, पड़े गए उनके चरणों में फिर प्रणाम करें और जवाब लें। देखिए प्रभु का जवाब, हम आए संसार के अंदर, सबसे पहले हमें संसार का स्वभाव समझना था, स्वरूप समझना था, एस्पेक्ट, व्हाट इज द एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसको समझना था। है आपको, आपको तो मुझे पता नहीं, मैं 1940-45 की बातें कर रहा हूं, जब नई क्लासें चढ़ती थी हम लोग, हम नई क्लास 30 में आ गए, 70 में आ गए, नई में, तो पहले एक सप्ताह तो पढ़ाता ही कोई नहीं था, किताबें लिखो, कापियां लिखो, मेरी कापी ये ले आना, ये किताबें ले आओ, ये नोट है, तो हम वो लिख जाए, कहीं से मिले, चाहे कहीं भी जाना पड़े हम ले आते थे, या कोई प्रौढ़ स्टूडेंट है उनसे मिलते करके उनसे ले आना वगैरह, तो पूरे इकट्ठी कर लेंगे, ठीक है। फिर मास्टर जी आयकल पतन बताते, अपना स्वभाव बताते थे, मेरा स्वभाव क्या है, अगर मेरे से मार नहीं खानी, डंडों से, जुतियों से, जुत्ती निकाल के मारते थे, मुक्के मारते थे, यूं अंगूठा करके और अंगूठे को यूं करके यूं घुसन मार देते थे, बड़ी दर्द होती थी, अगर मेरे से मार नहीं खानी, डंडे नहीं खाने, मुर्गा नहीं बनना, चीखे निकलती थी और मास्टर जी मुर्गा बनाते थे, तो मेरा स्वभाव जान लो। उन दिनों बहुत मारती थी, बकवास नहीं कर रहा, मैं सच्चाई की बात कह रहा हूं,
इतना बच्चों को नहीं मारना चाहिए जितनी हम लोगों ने मारे खाई है, इतना नहीं मारना चाहिए। यहां तक कि मैं सच्चाई कह रहा हूं, एक लड़के की हड्डी भी तोड़ दी मास्टर, तब खप मच गई उस गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, माँ बाप शहर के सब खिलाफ हो गए, वो बड़ा दर्द भरा दृश्य था। खैर, तो हर मास्टर जी अपना स्वभाव बता, मेरा स्वभाव अगर नहीं मार खानी तो ऐसा करेंगे, फिर बोलते आपको मेरा स्वभाव पता लग गया, फिर हम खड़े रहते, हाँ मास्टर जी आपका स्वभाव पता लग गया, फिर माँ दे पुत्रो के करोगे, फिर हम आपको मौका ही नहीं देंगे मार खाने। यही मैं सुनना चाहता था, बोलो क्या बोलते थे बरखरदारो, मैं यही सुनना चाहता था, बरखरदार होता आज्ञाकारी बच्चो, मैं यही सुनना चाहता था कि मुझे मौका ना देना, मेरे स्वभाव के अनुसार रहना, कोशिश हमारी यही होती थी कि हमने इनके अनुसार रहना। हेडमास्टर तक जब हमारी प्रेयर होती तो अपना स्वभाव बताते नई क्लासेस को, तो मेरी नेचर इस तरह का है, कोई स्टूडेंट यहां घूमता हुआ नजर ना आए, ये ग्रासी प्लांट में चक्कर काटता हुआ नजर ना आए, मैं अचानक दफ्तर से निकल आता हूं और बाहर घूमता हूं और पकड़ के मैं वही डंडे मारने लग जाता हूं, क्यों आप बाहर आए, किस कारण से बाहर आए, हाँ क्यों आए, पर हम लोगों ने एक बात पकड़ रखी थी, क्या पेशाब आ गया था, अब हेडमास्टर क्या करेगा, लेकिन पूछते जरूर थे क्यों बाहर घूम रहे हो, तो हम उनके मुताबिक रहते। हमारे वक्त स्कूलों में बड़ा अमन चमन, चुपचाप शान, शुरू बोलने जरा किसने ऊंचा बोला डबास वाले बाहर आ जाना, किस खोते की हिनी नाने की आवाज आ रही थी ये बोलते थे, कौन खोता हिनी ना रहा था, बड़ी मार पड़ती। इसी तरह हमारा धर्म था, मेरे मन में ये अरमान है जो भगवान नहीं पूरा कर रहे, यहां आने वाले हम जैसों को जिनको बुद्धि भगवान ने बाकी जीवों की अपेक्षा ज्यादा दी है, और इस संसार में तब तक रहेंगे जितनी हमारी आयु संसार का स्वभाव बता देते कि इस संसार का स्वभाव ये, या हमें बताया जाता, मां बताती पिता या पड़ोस जी बताते, धर्म तो पुरोहितों का होता है कि जिस दुनिया में तू कुछ दिन आया है, इस संसार का स्वभाव, इसकी नेचर, इसकी आदत ये, और समझो मेरी देवियों, ये सबसे पहला प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न। मनु को, मनु प्रगट हुए, मनु पैदा नहीं हुए, मनु को भगवान ने प्रगट किया, मनु हमारी तरह माठ पेट से 9 महीने रह करके प्रगट नहीं हुए, भगवान जो सबसे पहला तपस्वी इस धरती पे आया, ये सोचो बच्चे मनु कौन थे, सबसे पहला इस धरती पर जो मनुष्य रूप में आया उसे हम आदर मान के साथ मनु जी महाराज कह के अपनी वाणी को सफल करते, और सबसे पहले नारी रूप में जो आई उसका नाम था शतरूपा है, अपने वैदिक धर्म के अनुसार सबसे पहले नारी जिसने वो पैदा नहीं हुई थी भगवान ने प्रगट की थी, है शबा। अच्छा, मनु महाराज जी सबसे पहले प्रगट किए गए, हाँ तो अब जब प्रकट हुए किमर्थम आगतो, आवाज गूंज उठी, जो कि सुनसान बियाबान था, मुझे यहां पर क्यों भेजा गया, ये तप की आकाशवाणी हुई, तप 3 बार कहा गया, तप करो तप करो तप करो, उनको प्रेरणा मिली, वहीं बैठ गए जहां यह प्रश्न किया गया था, घोर तप किया, साधन बताए गए थे इंसान को जीने के, उसके बाद फिर लंबी चौड़ी आगे चलता है सृष्टि के स्तर, तो समझाया गया उनकी उन्हें तप द्वारा ये सृष्टि क्या है। आज फिर मैं उन महापुरुषों के चरणों का दास बन के और भगवान जी के श्री चरणों का प्यारा बन के ये कह रहा हूं, सबसे पहले सबसे फर्स्ट इंक्वायरी यही है जैसे मनु जी ने की थी, सबसे पहली इंक्वायरी, बाद में बाकी बातें, मैंने पढ़ना है, मैंने ये करना है, मेरी शादी होनी है, मेरे बच्चे, ये दीज आर ऑल आफ्टरवर्ड्स, सबसे पहले ये संसार क्या है, ये सृष्टि क्या है, ये जो मुझे नजर आ रहे हैं वनस्पति वर्ग है, मनुष्य वर्ग है, नारी वर्ग है, नर वर्ग है, और ये पक्षी वर्ग है, पशु वर्ग है, हाउ व्हाट इज वंडर, ये क्या है, सूरज उदय होता है, अस्त होता है, नाना प्रकार के सीजन होती है, ये आना जाना है, कोई जन्म ले रहा है, कोई मर रहा है, किसी को बहुत सुख है, किसी को बहुत दुख है, ये क्या है, कोई शादी के लिए तरसता है, हाँ किसी की शादी होती तो आपस में बनती नहीं, कोई कचहरी में खड़े होकर जो है तलाक ले रहा है, यानी डाइवोर्स हो रहा है, फॉर दिस फन, कोई तरस रहा है शादी के लिए, किसी की शादी हो गई तो बनती नहीं, किसी के बाल बच्चे भी हैं तो संबंध विच्छेद होने जा रहा है, व्हाट यू वंडर,
कोई सर्विस के लिए मिनते कर रहा है, कोई सर्विस में इस्तीफा दे रहा है, त्याग पत्र दिए जा रहा है, फेंक के जा रहा है, मुझे भी नौकरी चाहिए। अगर आप ऐसे जबरदस्त सिंह से काम लेते, ये मेरा त्याग पत्र, ऐसा फेंक मारते हैं अपने बड़े के सामने, ये लो है। एक तरफ तो उस नौकरी के लिए एक थूक के जा रहा है उस नौकरी को, शपाश। एक बच्चों के लिए तरसती है कि हमारे एक लड़का तो हो जाए, हमारे घर में 8 लड़कियां हैं, एक लड़का तो हो जाए, एक तरसती है। और एक मेरी बेटी अभी अम्बाला की तरफ घटना, 3 अपने बच्चों को छोड़कर किसी और को पति बना के चली गई, एक तरसता है और एक छोड़ के जा रही है, इतना पत्थर दिल। सुन के एक बार मैं भी अपनी छाती पे हाथ धर लेता, आप ठीक कह रही है? मैं ठीक कह रहा हूं, बच्चे छोड़ के चली गई है। अच्छा, हैरान कीजिए, संसार में जरा विलक्षणता देख लो, कोई तरसता है, कोई छोड़ के जा रही है। ये संसार का स्वभाव क्या है सर? व्हाट इज दिस वर्ल्ड? ये सबसे हमारे, क्योंकि हम कल्याण कामी है ना, हाँ, हमारे अंदर क्रांति उठती है, खा लिया पी लिया, बच्चे बने मर गए, ये भी कोई जीवन है? वन आप सत्संग में ना आती, कोई किसी ने मजबूर नहीं किया, आप यहां तशरीफ ना लाते, ये क्या बना हुआ है? खा लो पी लो पढ़ लो शादी कर लो बच्चे बना लो उनको पढ़ाते लिखाते रहो मर जाओ फिर कहां, क्या फर्क हुआ है एक हैवान इंसान में? हैवान भी यही कर लेंगे और हम भी वही करके मर जाए, तो भगवान ने हमें पैदा नहीं करवाता? फिर वो दरिंदे परिंदे चिंदे काफी थे, फिर भगवान ने मनुष्य जाति क्यों बनाई, मनुष्य योनि क्यों बनाई? ये निराला प्रश्न उठे बिना रह नहीं सकते, बार बार आता है, क्यों हमें भगवान ने पैदा, क्या कमी थी जिसकी पूर्ति के लिए रब ने मनुष्य योनि बनाई, मनुष्य जाति बनाई? नारी जाति नहीं बेटे, मनुष्य में दोनों आ गए, नर नारी, क्यों रब ने हमें बनाया? शाबाश मेरी बेटी। तो इसको जाने ही क्या है, बड़ा विलक्षण संसार जी, ओ मेरी देवी, बड़ा विचित्र क्या होता है, विलक्षण का विचित्र, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी, इसे बोलते हैं बड़ा विचित्र। ये तो कहते तू बड़ी निराली है, कल मुझे ये कह रही थी, आज तू मुझे ये कहती, तू कौन है? कभी आप भी आपने मुझे परसों क्या कहा था, ऐसा होगा? आज तू उसको उल्ट कर रहा है यार, तू आदमी का पजामा है ना, मैं आदमी ना मैं पजामा, मैं तो कच्चा हूं, पिट्टे मुंह दे रहा, मैं तो कच्चा हूं, कभी तो कुछ के देता कभी कुछ के देता, तो हम हैरान होती हैं, तेरी मेरी नहीं निभेगी, निभा मैं उसके साथ सकता हूं जो एक जैसा तो हो ना, बात बात में कोई बदल जाए, आप उन्हें कई सखिया अपनी सहेलियां छोड़ दी, ना तेरी मेरी नहीं बनती, तू कहती कुछ है करती कुछ है ना, बड़ी स्वार्थन है तू, चिकनी चुपनी बातें करके अपना मतलब पूरा कर लेगी ना, राम राम, क्यों नहीं अच्छी लगी, कभी कुछ कभी कुछ। तो हम इसको जाने, बड़ा विचित्र संसार है, एक जैसा नहीं रहता, बड़े साधारण शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, सदा एक जैसा नहीं रहता। इसको जानकर भर्तृहरि कहां गए, गोपी चंद कहां गए, पूर्ण भगत कहां गए हैं, महात्मा बुद्ध जी कहां गए हैं, है? विवेकानंद कहां गया, गुरुदेव जी कहां पहुंचे हैं, तुलसीदास गोसाई जी कहां गए जब आपके नारी ने ताना मारा, मेरे शरीर पर इतने मस्त होते हो, इतने इस पर आपका प्यार है, सत कहती हूं मेरे प्राणनाथ, अगर इतना ही प्यार भगवान के साथ होता आपका कल्याण है, मेरा कल्याण हो गया होता, हाँ, हार मास चाम मल मूत्र गंदा भगवान ने ऊपर चमड़ी लगे कि हमें धोखा दे रखा है, होती जी श्री राम में होत न तब भाव बीती, ओ इनकलाब, आज हमारे मनो पर उनका राज है, घर घर में आज उनकी लोकप्रिय रामायण है, और क्या कहूं शताब्दियों तक रामायण के माध्यम से हमारे मन पर उनका राज रहेगा, नाम लेने से भी हमें बड़ी खुशी होती है, बड़ी सेवा करके भारत की, संत शिरोमणि गोसाई तुलसीदास जी महाराज, भारत उनका ऋण नहीं उतार सकता, नहीं उतार सकता, नहीं उतार सकता, बड़ा भारी ऋण है गोसाई जी का हम सब पर, हम जानती हैं शायद संसारी आदमी जाने या ना जाने, तेरी खूबियां गैर क्या जानता है, तो जैसा है बस जी मेरा जानता, मोहब्बत तेरी क्यों हुई मेरे दिल में, क्या तेरा दिल इसे बरमला जानता, तो खुद ही जानते, कम ऑन, बड़ा विचित्र विलक्षण संसार है, ये क्या है, कहीं जाने की जरूरत ही कोई नहीं, ना कि साधु के पास महात्मा के पास, कहीं जिसने सृष्टि बनाई उसी से पूछो ये क्या है, एक की शादी होने लगी
है, तीन चार लड़के एक जैसे, दो तो जोड़ा थी, दो बाद में थी। घर में आए, वो चाहते थे ये जो लड़का है बहुत अच्छा है, अच्छी तनख्वाह है, देखने में बड़ा सुंदर है, घर बार भी बहुत अच्छा है। हम बड़ी गलती करते, उसने कितना अच्छा जवाई ने कहा कि मुझे नहीं पता, आप इसके पिता हैं, आप इस बारे में भली प्रकार जानते हैं। ससुर कितने खुश हो गए, वरना हमारे हिंदुस्तान में अभी तक भी ऐसा नहीं होता। देख बाबल दी करनी, वड्डी बिठा के छोटी परनी, ये ऐसा नहीं होता। लोग कहेंगे बड़ी की शादी क्यों नहीं हुई, कोई इसमें नुक्स होगा, कोई इसमें त्रुटि होगी, तब भी बड़ी को बिठा के छोटी शादी कर दी, होता नहीं। लेकिन वो सच्चाई के पुत्र ससुर, नहीं भाई तेरे योग्य तो फिर ये लड़की, तो बाप ने बता दिया कि इस तरह हम इस सृष्टि के बाप से पूछे, जिसको बड़ा शौक है ये कहने का मैं सारे जहां का गू, मैं दादा हूं सबका, मैं हूं आसरा। सृष्टि बनाने वाले सृष्टा बोलते हैं उसे अपनी भाषा में, सृष्टि बनाने वाला सृष्टा। अच्छा क्रिएटर से पूछे, बता मेरे मालिक, मेरे सरताज, मेरे मन के राजा, ऐ मेरे जगत गुरु, सृष्टि आपने बनाई है और आप ही ने ये कहा है वो जो है सबको बनाने वाला, हाँ तो क्या मुझको परमेश्वर की यामा किया जिसने हस्ती का, आपने बनाई है तो आप मुझे बताइए इसका स्वभाव क्या है। ये हमने रल मिल करके सृष्टिकर्ता से पूछना था, पर दुनिया में तो नास्तिक बनते जा रहे हैं, धर्म को छोड़ते जा रहे हैं, भगवान को, भगवान ही कोई नहीं मानता, पर मेरे और आपके हो भाग्य, ओ मेरी देवी हो, जब सृष्टि का पता लग जाएगा सब कुछ पता लग जाएगा, सब कुछ भगवान से पूछे, भगवान मुस्कुरा दिए, ठीक प्रभु सारी जिंदगी काटनी है मैंने, हाँ तो और इसी के साथ मैंने दो चार होना, सवेरे से शाम तक इस सृष्टि के साथ ही तो होती हो ना, और आजकल तो नारी चार दीवारी से हट गई, बाहर आ गई, आपको तो बहुत खपना पड़ता है, लेना देना व्यवहार करना अनेकों के साथ, हमारे वक्त कुछ और था, नारी चार दीवारी का जयकारा था। आज नारी बिचारी के कंधों पर, चाहे आपने ले लिया चाहे आप पे डाला गया, जिम्मेवारियां बहुत ज्यादा, काफी जिम्मेवारी, तो काफी मतलब पर इसको जान तो ले, खासकर आप जिन्होंने कल्याण करके रहना है और कल्याण करके जाना है, कल्याण करके रहना है, कल्याण करके जाना, हमें भली प्रकार पता लग जाए। बहुत हम कृतज्ञ हैं अपने इष्ट देव के, जिन्होंने उस सच्चे ससुर की तरह जरा नहीं छिपाया, सच्चाई की बात प्रकट कर दी। ज्यादा नगराइयों में जाना नास्तिक बन जाओगे, मैं आपको पहले चेतावनी दे रहा हूं, असलियत समझ लो, ठीक है, इस विचित्र एवं विलक्षण संसार की असलियत क्या, वास्तविकता क्या, रियलिटी क्या, स्वरूप क्या, एस्पेक्ट क्या, हकीकत क्या, मैं कई शब्द बोल गया, इस संसार का स्वरूप क्या है, इस संसार का एस्पेक्ट क्या, व्हाट इज एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड, भगवान ने कहा यह जानना चाहते प्रभु, हाँ तभी तो मैं फिर आपकी ओर लग जाऊंगा, मेरा मन इसमें फिदा होता है, बार बार मुझे इसी का ख्याल आता है, मैं जाप करना चाहता हूं, भजन करना चाहता हूं, फिर काल कभी पत्नी का आ जाएगा, पति देव की मेरे ख्यालों में आ जाते हैं, कभी बेटा आ जाता है, कभी गुजरी बातें और गाते मुझे आकर के डिस्टर्ब कर देती हैं, कभी सपने मुझे हैरान परेशान करते, चाहता हूं मैं आपका भजन करना, मन पुरानी बातों को ले बैठता, मैं क्या करूं परमात्मा, इसके बारे में बताना ये क्या है, इतने कम शब्दों में कौन बताएगा भगवान के सिवा। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं और आप जो कल्याणकामी है, बड़े ही कृतज्ञ हैं अपने इष्टदेव भगवान जी के, बड़े कृतज्ञ हैं, जिन्हें केवल दो शब्दों में नामे ध्याय के आखिर में जाके कहा, फिर कर पक्का, बैठ एकांत में और बार बार विचार कर, अनित्यम, जो कुछ तुझे नजर आ रहा है ये दिखता तो नित्य है लेकिन है अनित्य, बहुत कृपा भगवान की, नजर तो अज्ञानता में, वासनाओं में, कामनाओं में संसार नित्य नजर आता, पति देव पत्नी बाल बच्चे इज्जत मान बड़ियाई सुंदरता नित्य नजर आती है, हाँ नित्य नजर आती है, लेकिन असलियत क्या है, अनित्य है। अनित्य क्या होता है, जो थोड़े देर थोड़े दिन या कुछ सप्ताह या कुछ महीने रहे और चली जाए, उसको हमारा वैदिक सनातन धर्म कहता अनित्य, जो सदा ना रहे अनित्य, जो तीनों कालों में ना रहे अनित्य, तीन काल, कल गुजर गया, आज गुजर रहा है, कल आने वाला है, इन तीनों में ना रहे अनित्य, टेम्परेरी है, तो संसार की जो भी चीजें नजर आती, चाहे अपना शरीर है, चाहे कोई भी नजर आता, चाहे जिसके साथ हमारा बड़ा प्यार है, वो कोई भी, यहां तक कि देवी देवता भी, हाय ये रुंड मुंड गले में डालने वाली देवियां भी, ब्रह्मा विष्णु महेश भी,
जब मां परले होती है जानती हो, ये सब नारायण की जात में समा जाती है। हे मेरी भगवती, तो शंकर की पुजारन है, शंकर भगवान की जात में समा जाती है। मां परले में बेटी उनमें एक में को जाती है, जो कि नियम है, जो वस्तु जहां से आई है समय पाके उसमें समा जाए, ये भगवान का अटल नियम है। इसलिए भगवान ने कहा है, ब्रह्मा की दुनिया तक अहले जहां, बोलो आगे, तनासर के चक्कर में है बेगुमा कर तो निसंदेह ब्रह्मा की दुनिया तक सारे के सारे जो लोग हैं ये चक्कर में है, आवागमन में है। कितनी दलेराना ऐलान जो भगवान जी ने कहा, कौन कहेगा भगवान के सिवा, नारायण के सिवा ये कोई नहीं कह सकता मेरी भगवती, कि ब्रह्मा की दुनिया तक अहले जहां आवागमन के चक्कर में है सब, पर कोई समझाता ही नहीं। हमें चक्कर में डाल दिया देवी देवता पुजारी बना करके, इन ब्राह्मणों ने, इन रात के जगराते करने वालों ने हमें बुद्धू बना दिया। देवियों के पास तो मुझे माफ करना अपनी अकल होती कोई नहीं, कोई विरली हो जिसके पास अकल हो, वरना जैसे सारे कर रहे हैं करो करो ऐसा ही करो, हम घुघू बन गई, हमने जड़ पकड़ी ने पता ही कौन नहीं संसार की जड़ क्या है। ध्यान देना क्या चीज अनित्य है, नित्य रहने वाले नहीं, बिल्कुल ठीक, हमारी आपके सामने कोई चले गए, हम भी अपने दिन पूरे करके जाएंगे। अच्छा मान गए, रुकना मेरे साथ, मान गई बेटी, ना मानने वाली बात कोई नहीं बाबा, जो आंखों के सामने नजर आए उसको ना मानने वाली बात ही कोई नहीं। ये तेरे हाथ में क्या है, कंगन, हाँ मेरे हाथ में शीशा, देख ले बाबा तुझे क्या हो गया, तेरी मत मारी गई बाबा, क्यों ऐसा कह रही है, और कंगन मेरे हाथ में शीशे दिखने गए, हाथ कंगन को, कहावत मशहूर है, कंगन तो है पर शीशे से यूं देखूंगी नजर आ रहा है, तो ये संसार अनित्य गए, इसके लिए मेरे कहने की जरूरत नहीं, नजर आ रहा, नाना नी गए, दादा दादी गए, पिता माता गए, हा अपने पेट के कई बच्चे गए, हा जिन सखियों के साथ इतना प्यार था वो चली गई, हा तो ये कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, ये स्वतः सिद्ध है, स्वतः अपने आप में सिद्ध है, क्या ये सब चीजें जा रही है, आगे बढ़ो, मान गए अनित्य है, ऐसे नहीं बत्ती दांतों से नहीं, मूर्ख आदमी बत्ती दांतों से मानती है, जो उससे ज्यादा सयाना होता है मन से मानते हैं, जो पूर्ण सयाने होती है वो बुद्धि से मानती है, आप कहां से मान रहे हो, मूर्ख बत्ती दांतों से मानती है, हा 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 ठीक कह रही है भागा भाई, तू ठीक कह रही है, वह इतने खत्म, जो थोड़े से आगे है दाना वो मन से मानती है, जो पूरे दाना है वो बुद्धि से मानते हैं। हाय गजब की बातें, पहले क्यों नहीं बताई गई, पहले भगवान ने क्यों छिपा के रखी, हमें क्यों नहीं बताई, हमारी पढ़ाई में ये बातें क्यों नहीं आई, ताकि हम कुछ दाना बन जाते, सियाने बन जाते, हम अपने अंतःकरण को काला ना करते। पूरा दाना वो है जो बुद्धि से मान जाता है, क्योंकि मन के मानने के बाद कुछ दिन के बाद फिर मन वैसा गंदा बन जाता है, तन बत्ती दांतों से मानने के बाद जैसे मानो हमने लकीर लगाई हो किसके ऊपर, जमीन पर, हवाएं आई लकीर मिट गई, अच्छा बुद्धि से मानने के बाद तो वाह, तो ये बुद्धि से माना आपने, अरे समझ नहीं मेरी बेटी, मिचली कहते हो ये इनकलाबी सत्संग है, गीता का इनकलाबी सत्संग है, गजब खा दिया गीता ने, बुद्धि से मान लिया, वाकई ये सब कुछ अनित्य है, नित्य नहीं है, मान लिया, मैं ऐसे कहूंगा मान लिया होगा, हां एक कदम आगे क्या कह रही है, जैसे मैं कहूं तुम शिमले तक पहुंचो, हवाएं बड़ी ठंडी होंगी, गर्म कपड़े पहनने पड़ेंगे, अच्छा पहले करीब पहुंचो उसके बाद देखना क्या होता है, भगवान ने कहा मान गए ये अनित्य है, हां और जो चीज अनित्य होती है ना, हां अब भगवान बता रहे नियम क्या है, वो दुखदाई होती है, अनित्यम वो सुखदाई नहीं, आ सुखम, अगर तो आप नित्य मानेंगे सुखदाई नजर आएंगी, मेरी मां कितनी अच्छी, मेरी श्रीमान कितने अच्छे, मेरी पत्नी कितनी, मेरी बच्चा कितना, वाकई वाकई वाकई, लेकिन ये नहीं देख रहे कि अपने दिन पूरे करते जा रहे, एक एक दिन पूरा कर रहे हैं, एक एक दिन, शाबाश,
इनके कम होते जा रहे हैं। हम बड़े शौक से अपने बर्थडे मनाते हैं, लेकिन बर्थडे मनाने वाली बात है, 14 साल हो गए, ऐसे क्यों लेते हो, आप तो ना लिया करो। मेरे 15 साल हो गए, मेरे 20 साल हो गए, बड़े शौक से मेरी बेटी बता रही थी, बेटी 20 साल हो गए। नहीं, कुल आयु में से 20 साल घट गए। अब बना बर्थडे, अगर आयु 45 साल की है तो 20 साल लेस कर दे, 20 साल कम हो गए, मैं मौत के नजदीक पहुंच गया। अंग्रेजों ने यहां ल्याकर दिखाई है इस बात में, 1 साल वाले बच्चे को 2 साल, 3 साल, 8 साल बच्चे को बोलते 2 ईयर ओल्ड, 5 ईयर ओल्ड, 5 साल बुढ़ा हो गया। ये पहले ही ओल्ड शब्द लगाते, बुढ़ा हो गया, आयु घट गई, आयु दिन दिन कम होती जा रही है। तो आप ये पकड़ लीजिएगा, जो चीज अनित्य हो वो सुख नहीं दे सकती, क्योंकि वो जब तक मिटेगी नहीं तब्दीली आती जाएगी, हमारे अनुकूल नहीं रहेगी। अनुकूल वो रहती है उसका मन और मेरा मन, जिसको चाहता हूं दोनों बराबर रहे। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, कोई तिल लगा ले, नहीं हो सकता। प्रकृति का यह अटल नियम है, प्यार तब रहता है जब दोनों के मन का स्तर बराबर हो, तन का, मन का, बुद्धि का, घर का, परिवार का बराबर हो। जो आप अमीर घरों के ले लेती हैं मुंह की खाती हैं, जो आप अपने से अमीर घर ले लेती हैं नहीं बनती, वहां पर उनके रहनी सहनी, उनके नखरे टखरे अहंकार और प्रकार का होता। इसलिए आमतौर पर कहा जाता है, बराबर की लड़की लो, बराबर के लड़के लो, जिससे तू है इसी को सहेली बना अपनी, जिस स्तर में तू रहती है। अपने को दोस्त बनाने तो अकॉर्डिंग टू योर मेंटल स्टैंडर्ड, अपने से ना ऊंचा जा। स्त्री प्यार तब बना रहता है जब हमारा स्तर उसका बराबर हो, पर रह ही नहीं सकता। चंद दिनों बाद या उसका स्तर बढ़ जाएगा या मेरा घट जाएगा, या मेरा बढ़ जाएगा उसका घट जाएगा, क्योंकि संस्कार तो एक जैसे रहती नहीं। फिर क्या होगा, दुखदाई। दुख का मतलब क्या होता है, मैंने फिर ले आऊं आपको, आप पूर्ण तीर वैराग वाले तो है ही नहीं, इसकी दुराई करनी बड़ी जरूरी होती है। दुख क्या होता है, मन के भटकन का नाम दुख है, और मन के टिकाओ का नाम सुख है। मन टिका रहे इसको सुख कहते हैं, मन भटक गया किसी बात से इसी को दुख कहते हैं। हाँ, तो जो प्राणी पदार्थ जिनको हम अपना बना चुके हैं हमारे मुताबिक नहीं रहेंगे, मन भटक जाएगा। मेरी माँ में फर्क पड़ गए, मेरे पिताजी आप ऐसे नहीं रहे, मेरा शरीर मुझे दुख दे रहा है, पहले घर वाली मेरी बड़ी अच्छी थी, मेरे घर वाले बहुत ही अच्छे, पता नहीं किस बेड़े ने नजर लगा छोड़ी है, अब नहीं। ये मन हो गया, भटक गया मन, देख लो किसी कारण से भटक गया। ये तो होना है, ये तो बनेगा, ये तो होगा, तब्दीली तो आएगी। प्रकृति का यह अटल नियम है, अनित्य चीज सुख नहीं देती। मैं वहीं खड़ा हूं, अनित्यम, और ये प्रकृति का स्वभाव है, ये एस्पेक्ट है, ये स्वरूप है इसका है। जैसे कोई सूर्य का स्वरूप क्या है, सूर्य का स्वरूप गर्मी और रोशनी, ये उसका स्वरूप है। एस्पेक्ट ऑफ द सन क्या है, गर्मेश, गर्मी देता है और प्रकाश देता है, ये सूर्य का स्वरूप। संसार का स्वरूप क्या है, सब चीजें जो नजर आती हैं, हाँ वो अनित्य है, दुखदाई, अनित्यम असुखम। आप कहते हैं भगवान ने फिर दुखदाई चीजें क्यों बनाई, भगवान फिर बिना बलन करते हैं, नहीं, दुखदाई नहीं है। मेरे जैसे मुंह पर थप्पड़ मारते हैं प्रभु, क्या कहा तुमने, मैंने यही कहा है भगवान जी, जो आपने नामे अध्याय में कहा है अनित्यम असुखम, नहीं तो नामे अध्याय की बात पर रख, और आप कहिए अनित्य है प्राणी पदार्थ, दुखदाई नहीं। प्रभु आपने खुद ही लिखा है, खुद आप श्रीमुख से बताया था, नहीं वो सुनो, गीता की वाणी यहीं से शुरू होती है, सीताए न दाना को मरी का न सोग न जीती का। भगवान दुख मानते ही नहीं, नहीं भगवान जी आपने कहा है, उपदेश दिया, दिया होगा वो, ध्यान देना, ध्यान देना। मेरे स्वामी जी ने मुझे इस तरह समझाया है, भगवान मुकर जाती है, नहीं दुखदाई नहीं है। भगवान आपने कहा अनित्य मासुकम, नहीं अनित्य तो है, दुखदाई नहीं। फिर आप ही बताओ मैं जनता को क्या बतलाऊं, अब ध्यान देना, ध्यान देना मेरी देवी, ये तो समझ आ गई, संसार के सब प्राणी पदार्थ अनित्य, चंदे रह के चले जाएंगे, ये आरजी है, ये मुश्किल नहीं है। ठीक,
आगे सर बुद्धि में आ गए, बुद्धि में कहा तो फिर तो इंकलाब आ जाएगा। अगर आप दांतों से हाँ कर रहे हो तो मेरा भगवान का गीता का अनादर, केवल मन से कर रहे हो तो बुद्धि का अनादर। ध्यान देना जरा, अनित्य इसमें कोई शक नहीं, लेकिन दुखदायी नहीं। भगवान कह रहे, मैं नहीं कह रहा, क्योंकि गीता दूसरे अध्याय 11वें श्लोक से यही शुरू हो रही है। तो फिर भगवान आपने जो कहा ये अनित्य वासुकम दुखदायी है, अब सुनो भगवान क्या कहते हैं। इनकार किया कि नहीं दुखदायी नहीं, भगवान आपने कहा है। हाँ मैंने, अब मैंने तीन बार कहा, भगवान ने इनकार किया। जब मैंने अनुरोध कर लिया तो भगवान ने कहा हाँ हाँ मैंने लिखा है। तो भगवान तो आपका दुखदायी नहीं, फिर आप कहते हैं मैंने कहा है, ये क्या बात। अब सुनिए 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 सुनिए, बहुत निराले हमारे जगत गुरु, दुखदायी नहीं। अच्छा प्रभु फिर आप बताओ, मैं जनता को क्या बताऊं, मैं आपकी वाणी का प्रचारक हूं, क्या कहूं। दुखदायी तब बनती है जब इनसे कुछ आशा रखी जाए। हाय हाय, ध्यान देना मेरे देवियों, ओ मेरे सजनों, मेरे धार्मिक भाइयों, अपने आप में ये दुखदायी नहीं, अपने आप में ये दुखदायी नहीं है। सिनेमा हमारे लिए दुखदायी नहीं, क्लब हमारे दुखदायी नहीं, शराब हमारी सुखदायी दुखदायी नहीं, ये जो सूटे सूटे चीज दुखदायी नहीं, और गंदी मंदी चीजें जो जिनका आप प्रयोग नहीं करते वो दुखदायी नहीं है, ये कोई दुखदायी नहीं। कहते औलाद बड़ी दुखदायी होगी, नहीं, आपने शादी की उनको अलग अलग रख दिया, जा भी बेटे वो मकान बना पड़ा, जा पुत्र तू अपना काम कर, दुखदायी नहीं। मुझे बताओ ना क्या चीज दुखदायी, शरीर दुखदायी नहीं। क्यों, आपको बीमारी भी आती है, मैंने किया मैंने भोगना है, लो देख लो। अगर आप रोग गए मैं मर गए, मैं दुख पे दुख करती है रब, मेरी से पता नहीं क्या, मैंने कोई रब दी गैया थोड़ी चुराई, अब दुखदाई और अब दुखदाई नहीं। क्या विचार बदल गए, मैंने किया मेरे भोगना है, मेरा लिखा मेरे आगे सामने आ रहा, मैं भोग जाऊंगा रब के नाम पर, कोई बात नहीं, भगवान मुझे ताकत देंगे, ये सुख वाले दिन मैंने कटे हैं, दुख वाले दिन वही कट जाऊंगा। अगर महसूस करो तो दुखदाई है, और सही से अविरागी हुए बैठी है शरीर में, आप इतना वैरागी नहीं तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, आ गया दुख, चलो कुछ भी नहीं। दुखदाई तब है जब इनका भरोसा किया जाए, इन पे विश्वास किया जाए, इनमें आस रखी जाए। हाय, और जब ये बात पक्की जाएगी तो ये तो अनित्य है, अगर बुद्धि द्वारा माना है। सुनो मेरे सज्जनों, खरी बात आपकी झोली में मेरे भगवान डाल देंगे, अगर बुद्धि से माना है। हाँ, आपकी कसम, भगवान के दोनों चरणों की कसम, इस गीता को सिर पर रख के कहूंगा, इस चोटी के मां शास्त्र की कसम, क्या अगर बुद्धि से माना है, आप इन पर भरोसा करोगे नहीं। भरोसा वो नलायक करती है जो बत्ती दांतों से और केवल मन से मांगती है। अगर आपने सच्चे दिल से कह दिया ये मेरे पति हैं, हाँ आप मुझे तेरी कसम, क्या किसी पुरुष को पति रूप में नहीं देखूंगी। अगर आपने सच्चे दिल से कह दिया मेरी पत्नी है, आप किसी भी नारी को चाहे ऊपर देवी देवता भी उतारे नीचे पति रूप में नहीं देखोगे। अगर आप सच्चे बुद्धि से मान लीजिए मेरी पत्नी है, बस सचमुच ये चीजें जा रही है, अनित्य है, अब कोई खड़ा होकर बताए क्या हम और आप अंधे नलायक बन जाएंगे, खासकर हम लोग उस पर डिपेंड करें, उसका सहारा ले। अगर आपने मन से माना है तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारो, पीछे बड़ो मूर्ख। अगर बत्ती दांतों से बनाया तो करो नाराज भगवान को, मैंने कई बार कहा ना करो, अगर नहीं अपना तो ना हो, पाप लगेगा। भगवान करेंगे सुनाने वाला भी है और इनको समय भी दिया है, फिर भी अपनाते नहीं। अगर बुद्धि से माना है तो अगर आगे हमारे लिए नहीं है, क्या आसुखम, आसुखम तो तब बोलो जब सहारा ले। उधर रब कह रहा है कि जिसने अच्छी तरह ये जान लिया संसार के स्वरूप को, सहारा किसी का ना, अब क्या दुख जाए, सहारा तो लेंगे उसका जो सदा रहने वाली जात है, और जो सदा रहने वाली जात है सुख उसमें होता है। इतनी सी बात थी, अगर मां बताती, पिता बताता, प्रोत बताते, या स्कूलों कॉलेजों में बताया जाता कि दुनिया में आया है, हाँ इतवार नहीं करना, व्यवहार करना है, भरोसा रखना अपने परमात्मा का, डिपेंड करना है अपने परमात्मा पर। कितने इनकलाब, परमात्मा की कसम ये सब देवी देवता बन जाते, मेरी बच्चियां देवियां बन जाती, ये मेरे बुजुर्ग देवता बन जाते। सिर्फ इतनी सी बात, व्यवहार करना है मैंने हर एक के साथ, इतबार करना है अपने भगवान का, क्यों है क्यों, ये चीजें अनित्य है, ये चीजें रहने वाली नहीं है, ये संसार का स्वरूप है, स्वभाव है, ये उसकी शक्ल है, ये उसकी आदत है। अगर ये बुद्धि द्वारा मान लिया, मेरे से ज्यादा भी आप आगे निकल जाओगे, कि जब यह है अनित्य, तो वाई टू डिपेंड। दुखदाई तो तब बोलो जब इन पर डिपेंड किया जाए,
इन पर आशाएं रखी जाए, आशा ही निराशा में बदलेगी। क्योंकि इनमें तब्दीलियां आ जानी, इन्होंने मर जाना, इन्होंने धोखा देना, ये हमारे मुताबिक नहीं रहेंगी। हरे तो जब बुद्धि से मान लिया कि वाकई क्या 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 तुझे दुनिया फानी मिली, ये तो फानी है, दुख मैं नहीं बोल रहा, दुनिया फानी है। दुख तो तब बोलो जब इनका इस बात को समझ लो, मुझे ना बोलने दे देवी। दुखदाई तब होती है जब इस पर भरोसा की जाए, इनसे आशाएं की जाए। देखो रब क्या कहता है, क्या दुखदाई कब होती है, कितना क्लियर करते हैं कृष्ण, ताल्लुक से पैदा जो, जब हमने एक दूसरे पर भरोसा किया, हाँ, और एक दूसरे का संबंध जोड़ा, आपने मेरे से सुख लिया, मैंने आपको सुख दिया, अब इसमें गड़बड़ मचेगी। इसी से प्रगट हो, कोई दुख आकाश से नहीं गिरा, धरती फोड़ के बाहर नहीं आया, हमारे तल्लुकात में कशीदगी हो गई, हमारे संबंध में कुछ गड़बड़ हो गई, अब रोएंगे हो, ऐसा हो गया तो पहले संबंध जोड़ा, आशा क्योंकि इनसे, क्योंकि ये आश करने वाली चीजें ही नहीं है, विश्वास करने वाले पदार्थ है ही नहीं, ये तो जा रही है, भाग रहे हैं, दौड़ रही है, अपने विशेष कार्य करके दौड़ रहे, जिसको जिस समझ नहीं आती वो खाओ फिर धक्के, फिर दुख पाएगा, जलील होगा, बर्बाद होगा। कौन कौन नहीं दुखी हुआ इस संसार का भरोसा करके, प्राणी पदार्थों पर डिपेंड करके। मैंने इसलिए कहा है, आप बुद्धि से मान रही है क्या, अनित्यम अनित्यम, आगे आसुखम कहने की जरूरत नहीं, वो तो नियम है, पर किन के लिए आसुखम है, दुखदाई है, जो इन पर डिपेंड करे। भगवान ने यह भी कहा था, नहीं नहीं नहीं, संसार अनित्य तो है लेकिन दुखदाई नहीं, दुखदाई फिर किन के लिए, जो इनका भरोसा करते, इन पर डिपेंड करते, इनका सहारा लेते, इनसे उम्मीदें रखते हैं। अब मरेंगे, अब वो जलील खराब होंगे, क्योंकि इनमें तब्दीली आएगी, अगर वैसे रहे, मैंने अपने पुरुषार्थ करना है, हाँ उम्मीदें नहीं, उम्मीद तो अपने भगवान से रखूंगी, इसलिए रब ने कहा है जो मर्जी कर, हाँ तेरे सहारा मेरा ले लिया, हाँ मेरे प्रभु, क्योंकि इसका सहारा लेने ही नहीं, लेने योग ही नहीं है, ये तो है ही अनित्य, थोड़ी देर रह के चला जाना है। फिर भगवान ने कहा, अब तुझे मौज है, अब तुझे मौज, अमल जिस जो मर्जी उसके करो, लेकिन सहारा किसी का न ले एक, ये कहा, करे जिस कदर उस पे लाजम है काम, मगर आसरा मुझ पर, बिल्कुल इंकलाब आ गया, मेरी भगवती बिल्कुल इंकलाब आ गया है। इसे क्रांति बोलते हैं, इंकलाब कहते हैं, रेवोल्यूशन कहती है, हमारे मन में रेवोल्यूशन आ गया, इंकलाब, अगर ऐसा कर सको तो, अगर आप ऐसा अपने मन को समझा लेते, बहुत चोटी की बात है, अगर आपने मान लिया अनित्यम, ये सब संसार अनित्य है, तो व्यवहार तो करेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं, इतबार नहीं करेंगे, इतबार करेंगे अपने भगवान का, हमारा मन रहेगा उनके ऊपर, तो फिर अब क्या हो गया, क्या क्या हो जाएगा बेटे, क्या भगवान का चिंतन, भगवान के उपदेश के अनुसार मन, भगवान के उपदेश के अनुसार बुद्धि, भगवान के उपदेश के अनुसार हमारे हर कार्य, हमारा लेना देना भगवान जी के अनुसार, हाँ शरीर छूटेगा मेरा और आपका जरूर, तो क्या तो शरीर छूटेगा, हाँ, किसी का भरोसा ही नहीं ले रखा था, किसी पे डिपेंड ही नहीं किया था, हाँ लचाई नजरों से किसी को देखा ही नहीं था, कोई मन में किसी के प्रति कामना ही नहीं मेरी थी, चूंकि जब हम इनको सुखदाई समझे, नित्य समझे, तो कामना रखे, मन को पहले ही समझा लिया गया, हाँ शरीर छूटेगा, हाँ इसके अंदर, जैसे मैंने भी एक ये और कमीज पहन रखी है, और देखो देखो मुझे कोई शर्म नहीं बताने में, मैंने पहन रखी, तो भगवान की कसम इसी तरह छाए की तरह किसके अंदर भी शरीर है, इलाड़ियां कह रहा हूं आप सबको, जैसे मैं अपने अंदर ये कमीज एक और भी रखता हूं अंदर, जिसको आप बुनियान कह लो, आपने बुनियान पहन रखी होगी, इसी तरह हमारी स्थूल शरीर के अंदर ये अंदर एक विचारों वाला सूक्ष्म चीज छाए की तरह है, ऐसे जीव जिसने किसी पर डिपेंड नहीं किया, किसी के वास्ता कामना नहीं, अंत समय वो सूक्ष्म चीज इसी के साथ चिपका रह जाता है, है? ये पूरी सच्चाई जो मैं आपकी झोली में डाल रहा हूं, सत्संग में तो ये बातें होनी चाहिए, दे मादे पुत्र कहानियां और जीवनियां ले बैठते हैं, वो अंदर ही रह जाएगा, क्योंकि आपने किसी पर डिपेंड नहीं किया, किसी का भरोसा नहीं लिया, किसी का चिंतन नहीं किया, किसी से कुछ आश नहीं रखी,
तो जब अंत समय आता है, हमारा आखिरी सांस बाहर निकलता है, तो सूक्ष्म शरीर इसी के अंदर। अच्छा, तो जो इन दोनों शरीरों को चला रही थी भगवान की शक्ति, वो भगवान के साथ, जिसको आप कहेंगे तारीकियों से बहुत, वो जो भगवान का नूर, भगवान की सत्ता, भगवान की पावर, भगवान की आत्मा, डिवाइन पावर जो इनको चला रही थी, हा महाराज जी के साथ। तो जन्म मरण किसके अनुसार था? सूक्ष्म शरीर ने निकल के किसी गर्भ में जाना था। क्यों जाना था? अगर कोई अरमान होता ना आपसे, मेरे मन में कोई पूरी करवानी होती इच्छा है, कुछ मेरे मन में इच्छा कामना रह जाती, तो भगवान विशेष घर आने में भेजता, जहां मेरे कुछ अरमान कुछ इच्छा है। तो अरमान इच्छा तब रहती है, संसार को मैं सच्चा मानता, संसार को सुखदायी मानता, वो तो मेरे गुरु ने पहले ही समझा दिया, जगत गुरु ने, खबरदार हम सावधान, इस संसार का कोई प्राणी पदार्थ सत्य नहीं है, ये सब जा रही गए। अगर मैंने कहा ना ये बात, देखिए मैं सुरखुरु हो रहा हूं, अगर बत्ती दांतों से आप हां कर रहे हैं तो शर्म की बात आपके लिए, अगर आप मन से कर रहे हैं तो बुद्धू और नलायक बन रहे हैं, अगर आप बुद्धि से कर रहे हैं तो आप जैसा दना कौन होगा। अगर आपने बुद्धि से मान लिया है कि अनित्यम, तो इसकी कसौटी क्या है? सहारा किसी का न ले एक। अब मेरा और आपका मन सहारा लेगा? सच्ची बातें आपकी झोली के अंदर, चोटी की बात आपकी झोली के अंदर, नहीं सहारा लेगा मन, ये तो जाने वाले चंद्र के बाद चल जाएंगे। मैं कहूं मैंने भी इसको बुद्धि द्वारा पक्का किया, हाँ इसकी कसौटी ये है, अब हम सहारा नहीं देंगे। भले कहीं जाओ, रहोगे तो पुरुषों के अंदर, नारियों में कहीं तो जाओगे, कुछ कुछ रहने लेने देने करना है ना, क्योंकि रब ने पानी बनाया, पानी भी लेना, रोटी भी लेनी, कपड़ा भी लेना, अपने अंग शर्म वाले ढांपने सब करना कि नहीं, ये तो शरीर के साथ है। तो इन चीजों को लेने के लिए कहीं ना कहीं संपर्क रखना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट, नारी का चोला है, कॉन्टैक्ट रखना पड़ेगा ना। लेकिन हिम्मत क्या है? सहारा किसी का न ले एक बार, फिर आप कृपा कर दो हम सहारा ना ले। कैसे आप बुद्धू परा कर रहे हैं? कैसे? पहले समझ लो कि संसार अनित्यम अनित्य है ही अनित्य। अगर आपने बुद्धि से कहा, देखो मैं बार बार कह रहा हूं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं कि राज की बातें प्रकट करता जा रहा है। अगर आपने बत्ती दांतों से नहीं हां की, अगर आपने केवल मन से हां नहीं की, ऊपर बुद्धि से हां की, ये जंक्शन है हमारा, इसके अधीन है मन और मन के अधीन है तन, बस। हर ऐसे जीव कितनी अच्छी होती है जो परिवार में रहकर, समाज में रहकर, अपने संपर्क सारे कोई नहीं, लेना देने को लेना देना है, पर इतवारी कोई नहीं, आशा नहीं एक दूसरे से रखी हुई, किसी पर भरोसा नहीं करते, सच मानना ये गीता के समय फिर कहूं, ऐसे जी जब शी छोड़ती है, सूक्ष्म इसी के अंदर रहता है, और जो जो शक्ति इसको चला रही थी महाराज जी में मिल जाती है। जन्म किसका मरण किसका? पहुंच कर जहां से न लौटे कोई, मकामे मुल्ला मेरा है वही, मेरा परम धाम वही गए, जहां से वापस कोई आएगा। ये मेरी और आपके वश की बात है। अगर आप बेवकूफी न करें, सिर्फ इतनी बात गीता की समय ले, अनित्यम, ऐसे आप जयकारा मार के बुद्धि में बिठा ले, अपने आप से पूछ लो, आज आपको भगवान की कसम, खाओ पियो जाओ, जो व्यवहार करना कर लो, लेकिन चौकड़ी लगा के सोने से पहले बैठो। आज का प्रसंग बहुत इनकलाबी है, मेरी बुद्धि ने मान लिया कि नहीं है, मेरी बुद्धि ने इसे अपने बुद्धि में रख लिया कि नहीं, कि संसार के सब प्राणी अनित्य है, बिल्कुल ठीक है, इसमें शक की नहीं। अगर यह बात अपने बुद्धि द्वारा मानी है, बिल्कुल सच्चाई की बात भगवान की, जो भगवान कह रहे थे दुखदाई नहीं, फिर आप किसी का सहारा नहीं देंगे। चाहे कितनी आपकी पत्नी अच्छी, पति देव अच्छे, बेटा बहुत अच्छा, फरमा बरदार आज्ञाकारी है, ये सब ठीक है, शरीर भी सब ठीक है, इतवार नहीं करेंगे, पता लग जाएगा, आंखें खुल जाती हैं, बिल्कुल अर्जुन वाला हाल हो जाएगा, रब करे हम सबका अर्जुन वाला हाल हो जाए, पता चल गया दिल है मजबूत, अब प्रभु बुढ़िया शरीर का पता लग गया, पता चल गया दिल है, ये मन बड़ा मजबूत हो जाता है, भगवान शक्ति दे देती है, अपनी ओर से एक विशेष दिव्य पावर दे देती है। अब आप ये आपके वश की बात, काश मैं आपके लिए कुछ करता नहीं कर सकता, समझा सकता हूं। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।